पहाड़ की संस्कृति, यहाँ के खान पान की बात ही अलग है। यहाँ के अनाज तो गुणों का खान है ही, सब्जी भी पौष्टिक तत्वों से भरपूर है। ऐसी ही खास पहाड़ी सब्जी है मीठा करेला, जिसे अलग अलग जगहों पर अलग नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इसे परमला कहते हैं, कई जगह ये ककोड़ा के नाम से जानी जाती है। शहरों में इसे राम करेला कहा जाता है। इसे ये नाम इसके गुणों की वजह से मिला है। इसे परमल, गुज करेला, ककोड़ा और गुण गढ़ी भी कहा जाता है। अगर आप ठेठ पहाड़ी हैं तो मीठा करेले की सब्जी आपने जरूर खाई होगी। ये पहाड़ी सब्जी गुणों की खान है। अगर हम आपको इसके गुणों के बारे में बताना शुरू करेंगे तो आप भी इस पहाड़ी सब्जी के मुरीद हो जाएंगे। एक शोध में पता चला है कि इसमें न केवल पर्याप्त मात्रा में आयरन मौजूद है, बल्कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले एंटीऑक्सीडेंट और खून को साफ करने वाले तत्व भी हैं। आप जानते ही होंगे कि आयरन तत्व न होने से एनीमिया, सिर दर्द या चक्कर आना, हीमोग्लोबिन बनने में परेशानी होती है, परेशानियां शरीर को उपस्थित कर देती हैं। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट अक्सर अच्छे स्वास्थ्य और बीमारियों को रोकने का काम करते हैं। कैंसर से बचाने, आंखों की रोशनी के लिए, मजबूत लीवर के लिए एंटीऑक्सीडेंट शानदार चीज़ है। अगस्त से लेकर नवंबर तक ये सब्जी पहाड़ में बैलों पर खूब उगती है। इससे जुड़ी एक और मज़ेदार बात आपको बताते हैं। दरअसल ये दक्षिण अमरीकी देशों की सब्जी है। यह दक्षिण अमेरिका में एरिड वाले इलाकों यानी पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। वहाँ इसे पेपिनो, अचोचा और कायबा कहा जाता है। गुज करेला पहाड़ी खान पान का अहम हिस्सा है और इसके गुणों की तो पूछ ही मत। करेला कड़वा होता है, लेकिन मीठा करेला में जरा भी कड़वापन नहीं होता। ये फाइबर, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की खान है। इसके पौधे पर बीमारियों का प्रकोप भी नहीं होता। यही वजह है कि ये पहाड़ों में खूब पनपता है। अब तो मीठा करेला शहरों में भी मिलने लगा है। पहाड़ों में मिलने वाली इस सब्जी के गुणों पर शोध कार्य किए जा रहे हैं। शहरों में इसकी पैदावार होने लगी है। ये गुणों की खान तो है ही, साथ ही इसकी सब्जी बेहद स्वादिष्ट होती है। अगस्त से लेकर नवंबर तक ये पहाड़ों में खूब उगता है। तो अगली बार आपको जब भी मौका मिले, मीठे करेले की सब्जी जरूर खाएं। ये आपको पहाड़ की, वहाँ के अपनेपन और दुलार की याद जरूर दिलाएगा। व्यूअर्स, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। व्यूअर्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।